अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को पता चलेगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ अपनी अम्मी के साथ, और यहाँ पे खरबूजे वाला मिल रहा था, तो खरबूजे वाला मिल नहीं रहा था, खरबूजे वाला ठेला खड़ा हुआ था, तो यहाँ से हमने ठेले ले लिए। और यहाँ पे मम्मा जो है, मेरी अम्मी जी जो हैं, वो बात कर रही थी कि मेरी चप्पल जो है वो थोड़ी लूज़ हो रही है, मतलब उनकी चप्पल, तो वो न्यू चप्पल बनकर आई थी ना, अपनी बेटी के घर जा रही थी, तो इस वजह से। और ये जो है हमने ले लिया था। अच्छा, जिस चिंची में हम बैठे हैं वो चिंची खाली था, और फिर जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की तो ना वो बंद, मतलब आटी आ गई थी, मैंने स्टॉप कर दी। फिर हम चिंची में से दूसरी बस में बैठे क्योंकि हमें कायदाबाद जाना था, और ये जो केयर वाले भाई हैं ना, बस ये तो आगे आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे लेडीज़ को बैठाते हैं। मैं तो बहुत ही थक जाती हूँ इन केयर में बैठने से, मतलब मेरा सेकंड टाइम में बैठी हूँ, और मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी तब भी मैंने यही सोचा था कि मैं अब कभी नहीं बैठूँगी, और आज भी मैं यही सोच रही हूँ कि अब मैं कभी नहीं बैठूँगी। नीची जगह थी, ठीक है, और नीची जगह में एक आंटी को कह रहे हैं आगे हो आगे हो, और तीन लेडीज़ बैठती हैं और उसमें चार लेडीज़ को बिठा रहे हैं, तो मुझे तो भाई ये केयर बहुत ही बुरी लगती है। मैं तो बार बार यही कहूँगी, बस मजबूरी थी हमारी, हम बैठ गए क्योंकि बस जो है वो आ नहीं रही थी, और ऑटो वाले भाई जो हैं वो बहुत सारे पैसे ले रहे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा भाई पैसे बचाओ, वरना ना हमारी अम्मी जो हैं वो रक्षा कराती हैं। तो फाइनली हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। तब भारी है ये। और ये उठाए मैं इतना थक चुकी थी। अच्छा, मैं पता है मजे की बात ये कि मैं वीडियो को, मतलब कैमरे को ऊपर करती थी तो कोई आ जाता था, उनका फेस लेने के चक्कर में मैं ज़मीन नीचे कर देती थी, तो बहुत बार ऐसा होता था। सब फाइनली हम उनकी सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, और यहाँ का जो सही से मैं वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह इसी वीडियो में है, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी जब हम वॉक करने निकलेंगे। और हम जल्दी जल्दी यहाँ से शॉप तक जा रहे हैं, यहाँ पे समझते हैं आप लोग, जानवरों ने गंदगी की हुई थी, गाय भैंसों ने, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सही सलामत अल्लाह के करम से। और जी ये जो है जमाल, ये बहुत ज़्यादा हैरान तरीके से देख रही थी मुझे, ये जमाल है, ये इनकी बहन है और ये बड़ियाली बहन है। और यहाँ पे जो है नीमको बिस्किट और खरबूजा जो हम लाए थे वो वाला नहीं, जो इनके पास रखा था वो जो है सर्व कर दिया था। टेबल नीमको होते हैं ना, इसमें एक कुछ निकलता है लंबा सा, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं भाई, मैं उसको चाय में डिप करके खाती हूँ। और जो है ना हसनैन कह रहा था चाय से डिप करके ना खरबूजा खा लो। चीज़ लेने जा रहे थे इस वाले बैग में, वॉलेट में जो पैसे हैं वो रख के, पता चला कि इसने पैसे ले लिए, इसकी पॉकेट में ही निकाल के दिया, दे जल्दी हम जाएं। नोट दो, नोट नोट नोट, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये वाले ये नहीं है, दूसरे था। अल्लाह, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें निकली हैं, जो निकलना है वो नहीं निकलेगा, अब आखिरी निकलेगा। हमारा नोट हमें इतनी मेहनत से मिला। पलटन जा रही है बाहर, एक ये रही। वो इतनी ठंडी ठंडी, तो हम यहाँ पे चीज़ लेने आ गए थे, और यहाँ पे बच्चे सारे रेस्ट लगा हुआ था। इनके सोसाइटी में एक शॉप है जो आगे काफ़ी घर है, उस एक वो भी दे दो। अब कितने वो लगा लूँ सब, ये पॉप से, ये मेरे दादी निकले। फ्री में चीज मिल गई, सही है। अच्छा, 10 रुपये निकले ना गाय, 10 रुपये जवाब दो इसको। सो यहाँ पे हमने चीज़ ले ली थी, कुछ मैंने बच्चों को दिला दी थी और कुछ जो है मैंने अपने लिए ली थी, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे प्रॉब्लम होती है, फिर एक साथ ही चीज़ ले लेती हूँ मैं बहुत सारी सी। हेलो गाइस, ये हसनैन है,
मैंने सोचा चलो निकले हैं बाहर तो चीज़ ले लेते हैं घर के लिए भी जो मैं लेकर आ जाऊँगी। अच्छा मैंने उससे बोला मुस्फिरा से सबको मैंने कहा चीज़ ले लो, तो ये जो बच्ची है इसको मैं दिखा रही हूँ ये कहती है मैं सरफ लूँगी और मुझे सरफ का क्या काम घर में सरफ गाड़ी में बैठा तस्वीर खींचो रुक जाना ही नहीं यहाँ पे ना लाइट नहीं है इस वजह से यहाँ बैठो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जमाल और यहाँ चली गई है लाइट। फिर चीज़ लाने के बाद जो है मैंने कबाब की शेप बनाई थी क्योंकि अभी थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो है मैंने इनको फ्राई कर लिए थे। इनकी जो है लाइट गई हुई है और यहाँ पे जो है जमल सो रही है, चरपाइयों में झूले बांध देते हैं ना, तो सिंधियों के यहाँ बहुत होता है, वैसे तो सबके यहाँ ही होता है ऐसा, लेकिन निकला वहीं से है ये, तो यहाँ पे झूल रही थी जो सबके घरों में होता है। और ये जो सैलेड है आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये स्नेह ने कट किया था, वो बहुत मज़े का सैलेड बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। दस्तखान लग चुका है क्योंकि लाइट नहीं है तो अगड़म शगड़म ही लगा था। सालन की जो है मैंने वीडियो नहीं बनाई है, सालन भी था लेकिन वही लाइट की जल्दबाजी और लाइट जो है इनके यहाँ बहुत जाती है। और यहाँ पे हम सब चल रहे थे वॉक के लिए खाना खाने के बाद, तकरीबन 11 बजे का टाइम था और हम लोग यहाँ पे रुके नहीं हैं कभी भी, तो बच्चों ने कहा नानी और आनी आप रुक जाएं, तो फर्स्ट टाइम मेरी अम्मी और मैं यहाँ पे रुके थे। हम लोग नहीं रुकते अपनी सिस्टर के घर में, हम लोग एक्चुअली जाते ही बहुत टाइम बाद हैं। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ जो हैं सब घूमने निकली हुई थी और अभी हम यहाँ बैठ गए और यह स्नैन मोबाइल चला रहे हैं, आप सब मेरे पास बैठे भी खड़ी हैं। मम्मी जी लाइट नहीं आई ओके यहाँ पे ना जैसे लाइट जाती है तो सब बैठ जाते हैं, वैसे तो गली महल्लों में भी बैठ जाते हैं लेकिन इनकी सोसाइटी में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से लड़कियाँ घूम रही थी, ना कोई मतलब डर था किसी को। और ये जो बच्ची है ना ये पता नहीं किसकी थी, और ये जो बच्ची है इनके मतलब इन लोगों के में ऐसा होता है कि ना दुपट्टा पहन रही होती है, छोटी सी बच्ची जो है दुपट्टा पहनी हुई थी, मैं उसको शूट कर रही थी। और यहाँ पे दमन जो है बहुत हैरान तंगेज से देख रही थी कि नानी और आनी जो आई हुई है, क्योंकि छोटे बच्चों जो होते हैं वो सही से पहचान नहीं पाते, और काफ़ी टाइम बाद जाओ या ये लोग आते हैं घर तो ये थोड़ी सी हेल्थी हो जाती है, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। और ऊपर जो है यहाँ पे लाइट जल रही थी ये मुझे नहीं पता भाई कहाँ से आ रही थी, नीचे हम बैठे हुए हैं भूत बन के। कौन है लड़की है वॉक करने के बाद हमारी जो रवानगी है वो घर की जानी बढ़ रही थी, और जो है ठंडी ठंडी हवाएं खाकर हम घर जा रहे थे क्योंकि लाइट जो है आ चुकी थी। ये पागल लग रही है बिल्कुल यहाँ पे जो है हमें अभी जो है पूरा सोसाइटी दिखा रही थी अपनी, क्योंकि हम जाते हैं जल्दी से आ जाते हैं कोई काम होता है। चलो भाई फाइनली हम वॉक करके आ गए, जल्दी जल्दी चलो लाइट आ गई, गेट खोलो, हम देख ही नहीं पाते सही से। तो आज जो है हमने इनकी सोसाइटी घूम ली, कुछ मैंने वीडियो बनाई है कुछ नहीं बनाई है। अरे तुम यहाँ से ऐसे आते हो क्या? हाँ सही है, चलो आ जाओ। और हम वो करके इतना थककर आए कि यहाँ टैंक बन रहा है, ये इतनी ड्राउनिंग गुड़िया है, बहुत ज़्यादा ड्राउनिंग गुड़िया है, और मैं इतना बुरा डरी हूँ उससे। और ना ये ना आपको बताऊं ऐसे हुई थी जब हम बाहर गए थे ना, जिस लड़की ने
बस 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 एक इन हाँ इन बच्चों को सब पता है कि मैं कितना डरती हूँ, इसलिए सारों ने प्लानिंग किया है कि इससे डराते हैं और मैं डर भी जाऊँगी। आनी मैंने ना इसके ऊपर कहानी बनाई थी, जैसे ये लिखा हुआ था ना, मैंने ऐसी इसमें से देख देख के थोड़ा थोड़ा सर्दी में नए तोहफे आए गरम गरम खाने लाए, छोटे दिन लंबी रातें बहन भाई ने मारी लाते, मेवे अखरोट बादाम खाए, ओले नहारी मज़े से खाए, लिहाफ कम्बल रजाई उड़े, गरम कपड़े टोपे पहने, स्वेटर मफलर शाले उठाए, बारिश में मज़े से नहाए, बर्फबारी से स्नोमैन बनाए, काफ़ी पिए या चाय, सर्दी में नए तोहफे आए गरम गरम खाने लाए। अच्छी बनाई है, तो टीचर ने नहीं बताई है, सब बच्चों ने खुद ही बनाई थी, फिर किसी ने कुछ और बनाई होगी ना। हाँ, मजे की एक्टिविटी। नाम बताया था पापा ने इसके, सर्दी के तोहफे, और मैंने लिखे खुद से। सही है। इसको बाल बनवाने का बहुत शौक है, इसको दो महीने ना इसके बहुत सारी छुट्टियां ही बांध दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये एक सेविंग हसनैन। संभाल ये रात का टाइम था, कुछ 2 बजे या 2:30 बजे का समथिंग, कुछ ऐसे ही टाइम था। यहाँ पे सारे बच्चे सो चुके थे क्योंकि वो उन्हें मॉर्निंग में स्कूल जाना था, और यहाँ पे जो जमल है वो सो के उठ चुकी थी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो वो सो चुकी थी, तो यहाँ मुझसे खेल रही थी और अम्मी जो है अपी जो इन दोनों बातें कर रही थी, तो ख़वातीन की बातों में मेरा क्या काम, तो इसलिए ये जो बच्ची है मैं इसके साथ ही खेल रही थी, और नेट वगैरह तो चल नहीं रहा था, वाई फाई तो है नहीं, इस वजह से मैं इसके साथ खेल रही थी, वरना मेरे को इतनी ज़्यादा बातें पकाऊ करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनकी बातों को इंटरेस्ट नहीं लिया। यहाँ पे 6:30 बज रहे थे, तो 6:30 बजे का जो सीन है कुछ ऐसा है, सोसाइटी जो इतनी गंदी हो चुकी थी और यहाँ पे जो सफाई करने वाले अंकल आने वाले थे, बट मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। 8:30 बजे के टाइम वो आते और यहाँ पे इतना सन्नाटा हो रहा था ना, और इतनी अच्छी लग रहा था सुबह सुबह, ऐसे मॉर्निंग में देखो आप सूरज वगैरह को और अच्छी अच्छी जो व्यू नज़र आता है तो उनको देखो तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मैं बैक साइड से भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सो अभी मैंने ये वाली विंडो से बनाया, और यहाँ पे जो है सारे बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे, और यहाँ पे जो है विंडो के बैक साइड से मतलब दूसरी वाली विंडो के पास हम जाएंगे, और जहाँ पे ग्रीन ग्रीन घासें हमें नज़र आएंगी, सो फोटो तो ग्रीन ग्रीन चीज़ें देखो तो अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, और आप लोगों का पता नहीं अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे एक पुल है, वो जो पुल नज़र आएगा, और दूर से अभी मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगी, वहाँ पे बसें चलती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि साइड से बातें सुबह का टाइम था इतनी ज़्यादा चल नहीं रही थी, रात का ही मैंने शूट किया था, बट फिर वो डबल डबल चीज़ें हो जाती रात और दिन का, इस वजह से मैंने जो है नहीं किया। और ख़बरदार कैमरे की आँख आप लोगों को देख रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसको देख के मुझे बड़ी हंसी आती है, कैमरे की आँख देख के, हॉस्पिटल में भी लगा हुआ होता है, सब जगह लगा हुआ होता है, सोसाइटी में भी लगा हुआ होता है, हर जगह मतलब आपको तकरीबन ये मिलेगा कैमरे की आँख आपको दिख रही है। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे, जल्दी जल्दी मैंने इसको जो है उठाना था, क्योंकि अभी जो है काफ़ी काम कर रही थी, तो हम ज़रा मैंने सोचा उनकी हेल्प करा देंगे, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ये सारा सामान जो है उठाऊँगी, इसके बाद जो है हम नाश्ता करेंगे। तो अपे के घर में भी कुछ लोग ब्रेड खाते हैं, कुछ लोग परांठे खाते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं कुछ बच्चे, तो ब्रेड और परांठे यहाँ के पे कबाब, और ये तकरीबन ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये 12:30 बजे की थी वीडियो, हम लोग दोबारा सो गए थे फिर ना, और घर आ गई थी, फिर उसके बाद रास्ते की वीडियो शूट नहीं की, तो यहाँ पर जो है जीजू ने अम्मी को सूट दिया था और चूड़ियाँ दी थी, क्योंकि हम अबू के इंतकाल के बाद गए थे, तो होता होगा मुझे नहीं पता ये क्या होता है, और मुझे जो है 500 रुपये दिए थे, तो इसी वजह से हम लोग इंतकाल होने के बाद घर से निकलते हैं, तो इसलिए हम नहीं गई थी, और मैं भी गई थी। फिर मैंने अपने घर आके खाना खाया, जो दाल चावल बने हुए थे दिन में, तो तकरीबन ये जो वीडियो है 3 बजे की थी, और इसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और हम लोगों को एक गुड न्यूज़ मिली थी, जो हमने आके फिर पिज़्ज़ा पार्टी करी थी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी ये पिज़्ज़ा पार्टी क्यों हुई थी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।